देश के बड़े बड़े शहरों ने तेजी से ढांचागत विकास किया है। सभी शहरों में बढ़ती आबादी के साथ पार्किंग की समस्या भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में नागरिकों और प्रबंधक संस्थाओं को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगरीय विकास में हुई गलतियों से सीख लेते हुए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नगरीकरण औद्योगिकीकरण के साथ पार्किंग की समस्या को भी ध्यान में रखकर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्राधिकरण ने 2 ट्रांसपोर्ट हब और 1 ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने का निर्णय लिया है। यमुना प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट हब और ट्रांसपोर्ट नगर के डीपीआर अर्नस्ट एंड यंग कंपनी से बनवाएगा। इन योजनाओं के लिए प्राधिकरण जमीन भूमि अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है। इसका प्रस्ताव जल्द ही प्राधिकरण जिला प्रशासन को भेजेगा। प्राधिकरण प्रयास करेगा यदि किसान सीधे जमीन देने को तैयार होंगे तो किसानों से सीधे जमीन ली जाएगी। फिल्म सिटी बनने के बाद यहाँ तेजी से वाहनों का आवागमन होगा। फिल्म की शूटिंग शुरू होने पर यहाँ पर बड़ी संख्या में कई तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। ऐसे में कई तरह के छोटे बड़े वाहन और गाड़ियां फिल्म यूनिट के साथ होती हैं। ऐसे में उनके पर्याप्त ठहराव के लिए स्थायी और आधुनिक पार्किंग की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के पास 72 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्ट हब विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े प्लाट्स भी, उनका पार्किंग प्लाट भी, उनके लिए जो है कांटे वगैरह भी, तुलाई के भी, और सभी प्रकार के उनके लिए जो फैसिलिटीज, कमर्शियल फैसिलिटीज होंगी, सभी के साथ कंप्लीट बनाया जाएगा।